कलश विसर्जन हमें कब करना है, कलश विसर्जन के बाद कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, कलश के अंदर के जो जल है वो हमें पहले कहाँ डालना होता है, कलश के ऊपर भले पात्र में जो हमने चावल रखा है उन चावलों का क्या करें, और सबसे अहम बात ये जो जवारे हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे, इन जवारों का हमें क्या करना है, ठीक है। और जो हमने माता रानी की गोदी भरी है यहाँ पे है, तो इन्हें हम किसको दान करें। अगर अखंड दीप आपने लगाया है और वो अखंड दीप अभी शांत नहीं हुआ है, तो हमें कितने दिनों तक अखंड दीप जलाकर रखना है या फिर हमें इसे बुझा देना है। माता रानी की जो चुनरी है वो हमें क्या करना है, क्या दोबारा हम इस चुनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा नहीं। इन फूलों को, इन जो दुर्वा घास है, ये सिंगार की सामग्रियां जो मैंने चढ़ाई यहाँ पर और जो अष्टमी तिथि पर वो चढ़ाई है, वो सभी क्या करना है, विसर्जन से संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने माता रानी की चौकी पर यदि आपने अखंड दीप लगाया है, तो उस दीप को अगर आपने अलग रखा है चौकी से, तभी आपको चौकी हटानी है, वरना जब दीप शांत हो जाएगा तभी हमें चौकी हटानी होती है। जब तक दीप जलता रहता है, जैसे पूजा के लिए भी आपने जलाया है, सुबह सवेरे हम स्नान ध्यान करके दसवीं तिथि में पूजा करते हैं और दसवीं में ही हमें अपनी चौकी को हटाना होता है, ठीक है। तो आपका दीपक जला है तो आप चौकी नहीं हटा सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप बहुत कम घी तेल डालें और फिर उसके बाद चौकी हटाएं। बहुत इमरजेंसी है तो ये दीपक ले जाकर आपको अपने पूजा मंदिर में रख देना है, उसके बाद आप अपने पूजा की चौकी हटा सकते हैं। यहाँ पर विसर्जन की विधि लिखी हुई है, तो हम इसी विसर्जन की विधि को अपनाते हुए अपने घर में चौकी का विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर माता दुर्गा की प्रार्थना करना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी भगवती, हे सुरेश्वरी, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, देही में सौभाग्य आरोग्यम, देह में परमम सुखम, इस तरह से कह के आपको माता रानी के चरणों में ये प्रार्थना बोलनी है। और आपकी कोई विशेष मनोकामना है आप उसे भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जल घुमाएंगे और फिर दोबारा हाथ में अक्षत लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा दाहिने हाथ में अक्षत लेंगे और उसके बाद हम एक मंत्र बोलेंगे। तो मंत्र कौन सा है स्क्रीन पर हम लिख देंगे, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधना काले चा पुनरागमनाय चा। इस मंत्र को बोलकर हम इस अक्षत को छिड़केंगे। हिंदी में हम आपको बताते हैं, श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि सहित, कुबेर शुभ लाभ सहित, धर्म सत्य हमारे घर में विराजमान रहें, और सभी आवाहित देवी देवता, जो आपने कलश में आवाहन किया है देवी देवताओं का, आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान पर पधारें, पुनः आवाहन करने पर आने की कृपा करें। ऐसा बोलकर जो हाथ में आपने अक्षत लिया है वह हम छिड़क देंगे। तो बस इस तरह से छोटे से प्रार्थना करते हुए हम देवी देवताओं का विसर्जन करने का शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले आपको जो कलश है उसे हटाना है, ठीक है, मेन कलश ही होता है। तो आपको यहाँ पे कलश हटाएंगे और जो ये जवारे हैं, जवारे को हमने यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये है जवारे और काफ़ी अच्छे हमारे जवारे दिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। तो इसे किसी कैंची से या किसी हाथ से नहीं काटना है, यहाँ पे ये हमने सिक्का लिया है, कहते हैं चांदी के सिक्के से इस जवारे को काटना चाहिए। ये देखिए थोड़े से जवारे हम इस सिक्के से काट के और ये हम अपने घर के पूजा मंदिर में देवी देवताओं को समर्पित करेंगे। ये एक प्रकार से धान है, ये प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारे घर में जीवन में कभी भी अनाज की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, तो प्रकृति की पूजा करने का विधान है। तो इस तरह से ये धान हम अपने पूजा मंदिर में रखेंगे, इतना सा, ठीक है। अब बाकी इन जवारों को, सारे पुष्प को एक साथ आपको कर लेना है, सभी पुष्पों को, और इन जवारों को आप चाहें तो कट करके स्वयं इसका जूस बना के पी सकते हैं, क्योंकि 9 दिन के जवारे का ही जूस हमारे शरीर के रोग को
हटाने की क्षमता रखता है, या फिर आप इन्हें कट करके गौ माता को भी खिला सकते हैं। ये 9 दिन तक पूजा अर्चना होने के कारण बहुत ही शुभ और पावन हो जाता है और बहुत ही शक्तिदायक होता है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जाना कि ज्वारों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ के, इस सब चीज़ों को हटा लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। पुष्प रख लिया है, अब ये जो कलश है इनको हम हटाएं, ये नारियल को हटाएंगे और इसके जो चुनरी है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और इस चुनरी का हमें क्या करना है, और ये वाली चुनरी का अभी हम आपको बताते हैं। पहले ये जो इसके ऊपर आपने मौली बांधी है इसे हटा लेंगे, और हम इसे अपने घर के जो बच्चे हैं उनके हाथों पर बांध देंगे, ठीक है। आप अपने घर के बच्चों पर, आप स्वयं भी इसे बांध लीजिए, बहुत ही होता है रक्षा सूत्र के रूप में इनका इस्तेमाल हम करेंगे। और ये नारियल, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम इसे हम तोड़कर खा नहीं सकते हैं, तो अब इसे खाने की बात नहीं कही गई है, इसे आपको अपने घर की नवविवाहिता की गोद में रखना चाहिए, इससे उसके जीवन में सौभाग्य आता है। तो आप उनकी गोदी में डालें, या आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और पहले से आपने तिजोरी में रखा है तो उसे आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष के बाद ये सूख जाता है, अंदर की इसकी गिरी जो होती है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है। यदि हम जल प्रवाह करते हैं या फिर हम किसी पेड़ पौधे के नीचे रखते हैं तो चींटियों आदि के खाने के काम में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इस्तेमाल। अब इसके ऊपर ये चावल, तो आप देख सकते हैं ये जो सरई का चावल है बिल्कुल सुरक्षित है, कोई जल कोई ये कुछ भी नहीं है। तो हम इसे अपने रसोई घर के कंटेनर में रख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो कलश को हटाएंगे, और इसके जो आम ये पत्ते हैं, इन पत्ते देखिए 9 दिनों से काफ़ी होते हैं, तो ये हो गया। तो अब इन पत्तों से इन कलश के जल को पूरे घर में हम छिड़क देंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए जल आप गमले में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने डाले हैं सुपारी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर हाथ से निकाल कर, क्योंकि अभी यहाँ जल हटाने की व्यवस्था नहीं है, तो जो चीज़ें मैंने डाली थी यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। ये अब ये सिर्फ जल है, और यहाँ पर इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने डाली थी, यह है सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का, और यह हल्दी की गांठ। तो इसे हमें क्या करना है, तो हम ये सिक्का अपने, जो मैंने आपको बताया कि श्रीफल के साथ में आप रख सकते हैं, ये भी लौंग इलायची आप रखें या फिर अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। हल्दी की गांठ है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे कोई भी हैं इसे पत्थर पर घिस के आप उन्हें तिलक भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हल्दी सुखाकर अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सब चीज़ों के साथ लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और श्रीफल के साथ में आप रख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने जाना, इसे हम साइड में करते हैं। और इस जल को, अब ये जो मौली के धागे बंधे हैं आप इसे चाहें तो निकाल दें, वो इसी में बंधा रहने दें, हम फिर दोबारा कलश बनाएंगे तो फिर इस्तेमाल के करने के काम में आता है, क्योंकि जो पूजा वाला ये पात्र होता है हम पूजा में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने जाना, ये जो पूजा का जल है, ये आपने जो सुबह पूजा किया था उसका जल है, तो आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, शुभ और पवित्र होता है। अब बारी, ये कलावा मैंने कहा आप रख लीजिए, और ये जो गोदी आपने भरी थी ये मंदिर में हम दान करके आएंगे, जो खोइचा भरने की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। ये है जनेऊ, तो ये जनेऊ यदि आपके घर में कोई पहनता है, जैसे कि हमारे हस्बैंड जनेऊ पहनते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं पहनने के लिए, यदि आपके घर कोई नहीं पहनते हैं तो आप इन्हें मंदिर में दान करवा सकते हैं, ठीक है। सभी चीजों के साथ में जब हम श्रृंगार की सामग्री दान करेंगे उसी में इसको हम रख देंगे। अब ये जो हमने सुपारी पर भगवान गणेश का आवाहन किया था तो उनको हम अपने घर में विराजमान कर लिए हैं, और ये हम विसर्जित करेंगे फूलों के साथ में,
वैसे तो पहले के समय में लोग जल में विसर्जित करते थे, लेकिन अभी फूलों में हम विसर्जित करेंगे। और ये सुहाग की जो सामग्री है इसे हम ले लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कमल गट्टे चढ़ाए थे और सिक्के, ये जिससे आसानी हो। और हमने यहाँ पे मूंग के दाने भी चढ़ाए हैं अक्षत के रूप में, तो हमने यहाँ पे चढ़ाया जिससे हमको उठाने में आसानी हो। इन सब चीज़ों को हम स्वयं लेंगे। और जैसे मान लीजिए आपने ये श्रृंगार की, इसमें से आप दो चूड़ी स्वयं ले लीजिए, बाकी आप पंडित को, अपनी देवरानी जिठानी किसी को भी दे सकते हैं। इसी तरह से सिंदूर की डब्बी को कर सकते हैं। ये जो सिक्के हैं आप घर में जब भी पूजा करते हैं तो अक्सर कभी संकल्प में कभी कुछ में आपने चढ़ाए हैं, उसे आप मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में नहीं कर रहे हैं तो आप इकट्ठा करके माता रानी के लिए कभी एक नई चुनरी वगैरह ला सकते हैं, क्योंकि ये पैसे माँ के हैं और माँ के ही काम में आएंगी, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बस इस तरह से इन पैसों का इस्तेमाल हम करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है, यहाँ से फूलों को अच्छे से आप हटा लीजिए सभी फूलों को। और ये माता रानी की चुनरी, इस चुनरी को आप धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पहले मैंने चुनरी ली थी ये आप इसको फिर से इस्तेमाल करिए। इस चुनरी में सुपारी, लौंग, इलायची और श्रीफल बांधकर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हो गया। अब ये जो चावल बचे हैं आप इन चावलों को अपनी रसोई घर में रखें सभी। कुछ चावल हम पंछियों को भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये वाले चावल पंछियों को भी डाल सकते हैं और अच्छे सुरक्षित है, आप अपने घर में रख सकते हैं। ये है माता रानी की प्रतिमा। तो अब इस प्रतिमा के चंदन तिलक हम पोंछ देते हैं, साफ कर देते हैं। तो अभी साफ करने वाला कपड़ा नहीं है हमारे पास, तो ये हम हटाकर साफ करके अपने पूजा मंदिर में रख लेंगे। यदि आपकी प्रतिमा बड़ी है तो आप उसे सुरक्षित इसी लाल चुनरी से बांध कर ऊंचाई पर रख दें। अगले वर्ष जब नवरात्रि आएगी तो माता रानी की पूजा के लिए आपको लेना चाहिए। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे चींटियां लग जाती, जैसे ये कुछ चींटियां यहाँ पे आ चुकी हैं, तो हम इन चींटियों के मुख से निवाला नहीं छीनेंगे। यानी कुछ चावल हम इस तरह से साइड में करके इन चींटियों के लिए छोड़ देंगे और धीरे से इनको लेकर कहीं बाहर पेड़ पौधे के पास छोड़ देंगे, क्योंकि कहते हैं चींटियों के मुख से निवाला छीनना बहुत बड़े पाप के श्रेणी में आता है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ में आपकी चींटी लग जाती है, जैसे कभी किसी खाने में चींटी लग गई, किसी मिठाई में लग गई, तो वो मिठाई चींटी झाड़ के हमें खाना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान दीजिए। और ये देखिए ये जो दीपक है इसका पूरा शांत हो गया है। तो कई बहनों पूछती हैं कि हम दीपक की रुई बची हुई बाती का क्या करें, तो मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से बातियां कभी कभी बच जाती हैं, तो आप उसे एक साथ रख लें, एक छोटे से डिब्बे वगैरह में रखते जाएं, और जब ज़्यादा बातियां हो जाएं तो आप कपूर डाल के उसे जला भी सकते हैं, या फिर आप इन बातियों को इन फूलों के साथ में विसर्जित कर सकते हैं। जो हमने थाली में फूल रखा है अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारी फूल है ना, इसमें आप विसर्जित भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे घर में गमले हैं और थोड़ी नीचे मिट्टी डालेंगे, फिर इन सूखे पत्तों को फूलों को डाल के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और बचा हुआ जो कलश का जल है वो भी हम डाल देंगे। तो बस इससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाएंगी। तो आप अपने घर में जो रोज फूल आप चढ़ाते हो उनका इस तरह से सही तरीके से विसर्जन आप कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जो कि हमने अष्टमी तिथि पे चढ़ाई थी, तो आप देख सकते हैं। तो कई बहनों ने पूछा था इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए आप इसमें से कुछ चीज़ें लेकर कुछ चीज़ें अपने घर के परिवार में दान कर सकते हो, आप स्वयं भी पहन सकते हो, लेकिन सभी चीज़ें स्वयं नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ दान करके ही पहनना चाहिए। तो बस इन श्रृंगार की सामग्रियों को आप इस तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम आपको एक दीप लगाकर दिखा दे रहे हैं कि आपको इस तरह से संध्या के समय चौकी हटाने के बाद ये हम दीप यहाँ पर लगा दे रहे हैं। हमने चौकी पर रखा है दीप, इसलिए डायरेक्ट रख दिया है। आप जब भी कहीं ऐसे रखते हैं तो आप ये जो चावल था इस पे भी रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दीप जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और ना ही उस दिन आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है जहाँ पर आपने माता रानी की चौकी लगाई है।
ठीक है, कपड़े से सारी सफाई आपको करनी है, दूसरे दिन आप साफ सफाई जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में माता रानी की चौकी, कलश, फूल माला और बची हुई बातियों का सही इस्तेमाल करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते।